With God, we shall do valiantly. परमेश्वर के साथ हम निर्भीक और साहसी बने रहेंगे. It is He who will tread down our foes. क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौंदने जा रहा है. He will stamp our enemies on the ground. वो जमीन में हमारे शत्रुओं को रौंद देगा. Today, are you surrounded by enemies? क्या आज आप शत्रुओं से घिरे हुए हैं? Are you surrounded by the wicked people? क्या आप दुष्ट लोगों से घिरे हुए हैं? The Bible says in Psalm 12 and verse 8. वचन संहिता 12 और वचन 8 में बाइबल जो है कहती है. When the wicked are in power, the evil are praised around the land. जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं. When the wicked people are ruling. जब दुष्ट लोग राज्य करते हैं, the evil people are praised around the nation, around the land. तो पूरे देश में दुष्ट लोगों की बड़ी प्रशंसा होती है. This is what the Bible says. बाइबल हमें यही कहती है. But परंतु with God, परमेश्वर के साथ. I love that word but. मुझे ये शब्द पसंद है, परंतु. There may be wicked people around you. चाहे आपके चारों तरफ दुष्ट लोग हों, wicked people exercising their power over you. दुष्ट लोग आपके ऊपर अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हों, but God. लेकिन परमेश्वर. But God is on your side. परंतु परमेश्वर आपकी ओर है. If God be for us, who can be against us? अगर परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारे खिलाफ कौन हो सकता है? This is what the Bible says. बाइबल हमें यही कहती है. Romans 8:31. रोमियो 8:31 वचन में. What does God do? परमेश्वर क्या करता है? If you read Malachi 4:2-3. अगर आप मलाकी 4 वचन 2 और 3 को पढ़ें. Upon those who fear the Lord. तो जो यहोवा का भय मानते हैं. The Lord rises upon them as the sun of righteousness. तो परमेश्वर उनके ऊपर धर्म के सूर्य के रूप में उदित होता है. The Lord is the sun and a shield to us. परमेश्वर हमारे लिए सूर्य और एक ढाल है. Yes, no good thing will he withhold from us. वो हमसे कोई भी भली चीज को न रख छोड़ेगा. Psalm 84:11. भजन 84:11. And the sun of righteousness will shine upon you when you fear the Lord in the midst of the wickedness of the world. और धर्म का सूर्य आप पर चमकेगा जब आप संसार के दुष्टता के बीच में भी परमेश्वर का भय मानेंगे. He will rise upon you with healing under his wings. अपने पंखों तले चंगाई के साथ वो आप पर उदित होगा. And you will rise up as calves from the stall and go out as fattened cows. और आप जो है पाले हुए बछड़ों के समान आनंद से उछलेंगे कूदेंगे. And the Lord will come and trample on the wicked. और परमेश्वर आकर दुष्ट को लताड़ेगा. And the wicked will become ashes under the soles of your feet. और आपके पांव तले दुष्ट जो है राख बन जाएंगे. The sun of righteousness is shining upon you now because you fear the Lord. क्योंकि आप परमेश्वर का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य अभी आप पर चमक रहा है. And the Lord is coming. और यहोवा आ रहा है. To lift you up. कि आपको ऊपर उठाए. With healing under his wings. और उसके पंखों तले चंगाई के साथ. And make you go out as fattened calf. वो आपको पाले हुए बछड़ों के समान बाहर निकालेगा. But he is trampling the wicked under your feet. लेकिन आपके पांव तले वो दुष्टों को लताड़ने जा रहा है. Romans 16:20. रोमियो 16:20 के अनुसार. The God of peace will crush Satan under your feet. शांति का परमेश्वर आपके पांव तले शैतान को कुचल देगा. One side he will crush the wicked under your feet. एक तरफ वो दुष्ट को आपके पांव तले कुचलेगा. And as the God of peace on the other side, he will crush Satan under your feet. और दूसरी ओर शांति के परमेश्वर के रूप में शैतान को आपके पांव तले कुचलेगा. He's going to release you from all the oppressions of the wicked people and the wicked devil. और वो शैतान और दुष्टों के हर एक प्रताड़ना से आपको छुटकारा देगा. That's why he comes to you as the Spirit of God. इसलिए वो परमेश्वर की आत्मा के रूप में आपके पास आता है. In Isaiah 28:2. यशाया 28 और वचन 2 में. He is a mighty one. वो एक सामर्थी है. He is like a hailstorm. वो तो मोलों की आंधी है. He will come and throw the wicked. वो आकर के दुष्ट को फेंक देगा. He'll throw the devil.
वो शैतान को फेंक देगा अंडर योर फीट, आपके पांव के नीचे, एंड ही विल क्रश देम, और वो उन्हें कुचलेगा। यू विल नेवर सी दोज एनिमीज अगेन, आप उन शत्रुओं को फिर कभी नहीं देखेंगे। विद गॉड वी शैल डू वैलियंटली, परमेश्वर के साथ हम साहस के कार्य करेंगे। इट इज ही हु स्टैम्प्स हु ट्रेड्स द विकेड अंडर आवर फीट, क्योंकि वही है जो दुष्ट को हमारे पांव तले कुचलता है। एवरी एनिमी अंडर आवर फीट, हर एक शत्रु को हमारे पांव तले कुचलता है। इट मे बी द एनिमी कॉल्ड सिन, ये शत्रु हो सकता है जिसे हम पाप कहते हैं। एनिमी कॉल्ड सिकनेस, या शत्रु जिस रोग कहते हैं। एनिमी कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रबल्स, या आर्थिक समस्याओं का शत्रु। एनिमी कॉल्ड द विकेड ईविल पीपल, दुष्ट लोग नाम के शत्रु हो। एनिमी कॉल्ड द डेविल, या शत्रु जिसे हम शैतान कहते हैं। नाउ बिकॉज यू हैव टेकन जीसस टू बी योर हेल्पर, He will crush Satan under your feet because he has destroyed them already on the cross. क्योंकि आपने यीशु को अपना सहायक कहा है, इसलिए वो आपके पांव तले उस शैतान को कुचलेगा, क्योंकि उसने उसे पहले ही क्रूस पर हरा दिया है। Do not be afraid. इसलिए ना डरें। The Lord in you is greater than the one who is in the world. आपके अंदर जो प्रभु है, संसार के प्रभु से महान है। Father, पिताजी, I commend your beloved son, your beloved daughter to your bosom, Lord. आपके प्रिय बेटे और बेटी को प्रभु मैं आपके सीने में रखता हूँ। Show them that you are God. उन्हें दिखाएं कि आप परमेश्वर हैं। You said, "Be still and know that I am God." आपने कहा, शांत रह और जान रख कि मैं ही यहोवा हूँ। Crush the evil under their feet today. आज ही बुराई को आप उनके पांव तले कुचल दें। Let all the evil become ashes. हर एक बुराई जो है वो राख बन जाए। Let them be in your bosom as your child. और वो आपके सीने में आपके संतान की तरह हो। Thank you for this grace. धन्यवाद इस अनुग्रह के लिए। In Jesus name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। There is healing coming to you right now. इसी समय चंगाई आपके लिए आ रही है। The healing power of God is coming into your body right now in Jesus name. यीशु के नाम में चंगाई की सामर्थ आपके शरीर में आ रही है। Be healed. चंगे हो जाएं। पूर्णिमा। I see God's healing power flowing into your chest. मैं परमेश्वर की चंगाई के सामर्थ को आपके सीने में आते देख रहा हूँ। Every disease that has eaten up your flesh is now being destroyed by the power of Jesus. आपके शरीर को नाश करने वाला हर एक रोग यीशु की सामर्थ के द्वारा से नाश हो रहा है। The Holy Spirit is releasing you now. पवित्र आत्मा आपको अभी आजाद कर रहा है। रामकृष्णन, you've spoken ill of Jesus, ill of others before everybody. आपने हर एक के सामने यीशु की निंदा की है, दूसरों की निंदा की है। Repent today. आज ही आप पश्चाताप करें। Darkness and the oppressions are upon you. आपके ऊपर अंधियारा और सताव है। Evil is upon you. दुष्ट शैतान आपके ऊपर है। You feel your decay. आपको लगता है आप सड़ रहे हैं। Now repent. अभी पश्चाताप करें। The Holy Spirit is transforming your heart and making you the child of God. पवित्र आत्मा आपके हृदय को बदल करके आपको परमेश्वर के संतान बना रहा है। Yield your heart to the Lord. अपना हृदय प्रभु यीशु को दे दें। God is building you a beautiful future. परमेश्वर आपको खूबसूरत भविष्य बना के दे रहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Grace is coming upon your children. आपके बच्चों पर अनुग्रह आ रहा है। Especially the young people who have forsaken your love. Let them come back to your bosom and prosper in their life, Lord. विशेष करके जवान जिन्होंने आपके प्रेम को भुला दिया प्रभु, वापस आकर के आपके नाम से समृद्ध हो। एनी, come back to Jesus. यीशु के पास लौट आओ। His glory is coming upon you right now to transform you and give you a beautiful future. आपको बदलने और खूबसूरत भविष्य देने के लिए परमेश्वर की महिमा आप पर आ रही है। Everything that you have lost, God is building it back in your life. And every oppression is leaving to give you the fullness of the life of Jesus. आपने जो कुछ खोया है वो वापस आपके जीवन में आ रहा है और हर एक दंड जो है दूर हो रहा है कि आप यीशु के भरपूरी में जिए। Receive the Lord. प्रभु को ग्रहण करें। Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।